यूनाइटेड किंगडम में पिछले हफ्ते कोविड-19 के नए वायरस का पता चलते ही जहां सारी दुनिया चौकस हो गई, वहीं हुकूमत हिंद भी इस कोविड-19 के नए हमले को लेकर संजीदा हो गई। पीर के रोज मरकजी वजारत सेहत की जानिब से हिदायत जारी किए जाने के बाद से हुकूमत तेलंगाना राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चौकसी इख्तियार किए हुए हैं और बेरेन मुमालिक से हवाई जहाज के जरिए हैदराबाद पहुंचने वालों को कोविड-19 के लिए जांच की जा रही है। कोई भी मुसाफिर में कोविड पाया जाने पर कोविड सेंटर भेज दिया जाएगा और सेहतमंद मुसाफिर को हुकूमत के जेरे निगरानी क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये तफसीलात तेलंगाना के डायरेक्टर बराए मेडिकल एजुकेशन के रमेश रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए बताई। ये आप 2-3 दिन से जो मीडिया में देख रहे हैं कि ऐसा करोना वायरस जो है उसमें कुछ म्यूटेशन हुआ और उसके वजह से लंदन में, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी हलहला मचा हुआ है वहाँ पर। तो कल से जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस दिया, वो जो भी फ्लाइट्स आ रहे अपने भारत में उन लोगों को 2 दिन में रोक दिया जाएगा। तो इस अंतर में जो भी फ्लाइट्स आ रहे वहाँ से, जो भी लंदन से आ रहे सो अपने पैसेंजर्स है, उन लोगों को अपने एयरपोर्ट्स में ही टेस्ट कर रहे, आरटीपीसीआर टेस्ट करके अगर नेगेटिव है तो घर में क्वारंटाइन करते हैं उनको, अगर पॉजिटिव है तो फैसिलिटीज़ को जो भी है अपने ये कोविड का ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है वहाँ पर शिफ्ट करते। तो जहाँ तक ये म्यूटेशन का सवाल है, ये लोगों में एक भयानक ये फैलता जा रहा है, ये डरने की बात नहीं है। क्यों बोले तो हर दफ़ा वायरस म्यूटेशन होते ही रहता, ये एक ही करोना में नहीं है, दूसरे भी इसके पहले अपना स्वाइन फ्लू जब आया था वो वैक्सीन, उसमें भी हर साल म्यूटेशंस होते रहते, वो वायरस का वो उसका तरीका है वो। तो एक चीज़ क्या है इसमें जो अभी लंदन में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जो देखिए कि ये काफ़ी जल्दी फैल रहा है। अभी जो पुराना था वो 30% है तो ये 70% स्पीड में ये फैलने का चांसेस दिख रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन अभी जो है अगले 10-15 अपने को हफ्ता 10 दिन में क्रिसमस है और उसके बाद में न्यू ईयर है, उसके बाद में ये संक्रांति फेस्टिवल है, ये जो भी है बड़े फेस्टिवल्स रहने से और ये न्यू ईयर के टाइम में हर लोग जाके दूसरे लोगों से मिलजुलते रहते, काफ़ी भीड़ रहने का चांस रहता, इससे क्या है स्प्रेड होने का चांस ज़्यादा है। तो मेरी गुजारिश सब लोग से एक ही है कि अब तक जो भी अपन पूरे लोग मिलके जो जैसे गाइडलाइंस दिए ये फॉलो कर रहे, इसके वजह से आज अपने तेलंगाना में इसका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। आप देखें तो पॉजिटिविटी रेट देखिए, आप मोर्टालिटी रेट देखिए, काफ़ी कम है। ये पूरा सब अपने सबके ये करेक्ट पालन करने से ही छे हो रहा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी ये जो अगले थोड़े दिन है और जब अपने को ये करोना का नया ये रूप भी दिख रहा, और भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप जहाँ तक है ये फेस्टिवल्स, ये न्यू ईयर आप घर में सेलिब्रेट कर लो, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करो, ताकि बाहर मत जाओ, लोगों से मिलजुलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बाहर गए तो आप जो मेन जो है लाइक मास्क लगाना और हाथ साफ सुथरा लगा लेना, 6 फीट की दूरी है, ये कंपलसरी पालन करने की ज़रूरत है। तो अभी क्या है, अपने इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये लास्ट ये 25 दिनों में भी 300 लोग ये लंदन से अपने इंडिया में आए सो, अपने तेलंगाना में आए सो है। हम आज मीडिया के दरमियान उन लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप जहाँ तक हुआ क्वारंटाइन में ठहरिए और करीब के ज़रूरत है तो जाके आप टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक बोल तो कुछ भी सिम्टम्स नहीं रह के भी अपने को इन्फेक्शन रहता बॉडी में, तो इसके लिए आप जाके टेस्ट करा ले सकते हैं। अगर बाई चांस पॉजिटिव है तो उसके जो भी अपन बोल रहे उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट वगैरह लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल में आइसोलेट होना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ क्वारंटाइन में रहे तो बस है, 7 दिन क्वारंटाइन में ठहरो, ताकि आपको फेटल इन्फेक्शन है तो ये
ये टाइम के बीच में आपको वो सिम्टम्स बाहर आते हैं, वो डिटेक्ट होता है। तो फिर एक बार मैं री एम्फेसाइज एक ही करना चाह रहा हूँ कि आप ये 10-15 दिन केयरफुल ठहरिए, क्योंकि जल्दी ही अपने को वैक्सीन आने का चांस है। जब वैक्सीन आता है, वैक्सीनेशन डालने के बाद ऑटोमेटिकली बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता है, उससे अपने को ये रिस्क कम होता है। जब तक अब तक जो भी आप केयर ले रहे, आप ये जो भी हाथ धोना या मास्क लगाना जो कर रहे, वो जैसा पहले कर रहे थे वैसा कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। देखिए, सर ये पता लग रहा है जनवरी से वैक्सीन आने वाला है इंडिया हैदराबाद। अभी तक तो डेट का तो पता नहीं है, पर जैसा अपने को मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे या साइंटिफिक उसमें रिपोर्ट्स आ रहे, काफ़ी जो अपन हैदराबाद में अपने इंडिया में जो वैक्सीन से आने का सोच रहे अपन, वो पूरे भी थर्ड फेज ट्रायल्स के लास्ट स्टेज में है, और थोड़े तो ऑलरेडी परमिशंस के लिए भी इमरजेंसी अप्रूवल के भी लगाए सो है। तो शायद जल्द या जल्द आ सकता, और जैसा ऑलरेडी जानकारी है कि पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को देंगे, और उसके बाद में 50 साल के ऊपर के उम्र वालों को, और जिसके अंदर जिसको कोमॉर्बिडिटीज है लाइक सीवियर डायबिटीज़ है या दिल की बीमारी है, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको देने का तो सोच रहे। वो हिसाब से जो भी अपन स्टेप्स लेना, वो पूरा तेलंगाना में रेडी है। जब भी अपने पास वैक्सीन आता, एक या दो दिन के अंदर अपन वैक्सीनेशन प्रोग्राम इफेक्टिवली चालू करके अपन दे सकते। We'll be right back.